वेलकम टू द संजय पांडे क्लासेस, माई सेल्फ सिबी सिंह। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्लड। ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ऑल द नीट स्टूडेंट एंड क्लास 11 स्टूडेंट। सो प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड, ब्लड की कैटेगराइजेशन करने से पहले एक बार पहले हम इसका थोड़ा सा ब्लड को जान लेते हैं। कल मतलब पिछली क्लास में हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ा था, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं दोबारा वहाँ जाके। बॉडी फ्लूइड्स में हमने पढ़ा था दो बॉडी फ्लूइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड है वो हमारा एक रेड कलर का फ्लूइड है। देखिए ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड है, क्योंकि ये बहुत से फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी। ये रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन HB। इसको डिटेल में पढ़ेंगे HB के बारे में, थोड़ा सा जान जाइए कि जो HB है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन के ब्लड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आर्टरी का ब्लड होता है हमारा वो स्कारलेट रेड होता है और जो वेन का ब्लड होता है वो थोड़ा पर्पलिश या इसको पर्पल रेड भी कहा जाता है और ये स्कारलेट रेड होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर हमें कभी इंजरी हुई तो गाढ़ा खून अगर निकल रहा है तो इट मींस ये आर्टरी इंजरी से रिलेटेड है, और अगर थोड़ा सा लाइट है तो वो वेन इंजरी है। वैसे हमें जो दिख रही है वेन्स आर सुपरफिशियल, और जो हमारी आर्टरी होती है वो डीप सीटेड होती है, अंदर होती है। जैसे कहते हैं ना कि वेन काट लिया, अरे प्यार मोहब्बत में ये वेन काट लेते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप वेन काट रहे हैं, इसमें जल्दी से मृत्यु भी नहीं होती, इसमें बच भी जाएंगे। थोड़ा सा लगाया, जोड़ा जाड़ा, पट्टी बांधी, टॉफी दिया, घर जा, इसमें बच सकते हैं, इसमें इतना नुकसान नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम आर्टरी की बात करते हैं, डीप सीटेड होती है, ये कट जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक कारण ये भी है कि इसमें प्रेशर भी तेज होता है, आपका ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, जबकि वेन में इतना ब्लड लॉस नहीं होता। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, अपनी बॉडी को इंजरी पहुंचाना ठीक नहीं। चलिए जान लीजिए, तो ब्लड जो है वो हमारे रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग, उसमें मतलब जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है जिसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन जब पढ़ेंगे तो हम इसका फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि आर्टरी और वेन सुपरफिशियल होता है, आर्टरी डीप सीटेड होती है, इसका जो ब्लड है वो स्कारलेट रेड होता है, वेन का जो ब्लड है वो थोड़ा पर्पलिश रेड होता है। ये तो हो गया इसकी कलर की बात। इसके बाद अगर हम इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टी देखते हैं कि कितना प्रेजेंट होता है कितना प्रेजेंट नहीं होता, तो अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में, तो एडल्ट में ये 5 लीटर तक होता है, 5 लीटर एक नॉर्मल वैल्यू है एडल्ट में। और वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में वैल्यू 4.5 लीटर होती है, इसमें कम होती है क्यों, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस की वजह से कम होती है। मेनली प्यूबर्टी तक जो फीमेल है, मतलब प्यूबर्टी एज तक जो गर्ल है उसमें और बॉयज होगा उसमें सेम होता है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी में, तो उसमें ये 450 ml के आसपास होता है कि कितना ब्लड कंटेंट होता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी आपने याद करी कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है, सेकंड प्रॉपर्टी आपने याद करी कि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए ये रेड कलर का पिगमेंट आपके रेड ब्लड सेल्स में, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, मतलब इसमें मिलेगा, जब हम इरिथ्रोसाइट पढ़ेंगे तो इसमें पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये रेड होते हैं। लेकिन हम जब ब्लड भी पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेनिंग फ्लूइड है, लेकिन ये जो पिगमेंट है ये हीमोग्लोबिन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इरिथ्रोसाइट्स। तो याद रखिएगा कि जो ब्लड है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का होता है, आर्टरी में स्कारलेट रेड होता है, वेन में थोड़ा पर्पलिश रेड होता है। इसके अलावा अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो एडल्ट में 5 लीटर, वहीं पर फीमेल में 4.5 लीटर, बेबी में 450 ml के आसपास होता है। होता क्या है, अगर हम इसकी और एक प्रॉपर्टी देखें तो विस्कोसिटी, अगर हम इसके देखें तो ये 5 times मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से 5 ज्यादा विस्कस होता है कौन, ब्लड, 5 times मोर विस्कस देन वाटर। तो ये हो गई इसकी विस्कोसिटी की बात।
इसके बाद अगर हम इसके पीएच की बात करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था, मतलब पिछली क्लास में, कि एल्कलाइन पीएच होता है एंड दैट इज 7.4। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो इसका पीएच है वो 7.4 है, विस्कोसिटी 5 गुना होती है वाटर के, और अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो 5 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर और एक बेबी में 450 ml होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। अगर हम बात करते हैं फंक्शनिंग की, तो ब्लड के बहुत से फंक्शंस हैं। फंक्शंस में जाने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन एक बार समझ लेते हैं, और इंडिविजुअली हम ये सब पढ़ेंगे, एक एक करके जितना भी क्लासिफिकेशन है ये सब हम पढ़ेंगे कि कितना होता है, क्या फंक्शन है, कैसे ये पूरा चले। तो आपका ब्लड कंप्लीट होगा, इसके बाद हम कार्डियक पे आएंगे, यानी हार्ट में कैसे जो है पूरी ब्लड सप्लाई होती है हमारी बॉडी में, हार्ट में कैसे ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट कैसे ब्लड सप्लाई करता है, ये टॉपिक हमें इस तरीके से कवर करना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्लड की क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो ब्लड में आपके दो पार्ट हो गए, वन इज प्लाज्मा जो मेजर पार्ट है, और वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 55% कवर कर रहा है और ये 45% कवर कर रहा है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज ब्लड सेल्स और वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी एक टाइप के सेल्स ही हैं, लेकिन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ ब्लड सेल कर दिया और एक तरफ ब्लड प्लेटलेट्स कर दिया। ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो वो आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है ये आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। होता क्या है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें कुछ इस तरीके से ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इनकी शेप्स हम पढ़ेंगे, इन सबके शेप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनके जो अंदर न्यूक्लियर शेप होता है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे बाइलोब न्यूक्लियस होता है किसी में, किसी में पूरी कवर्ड होता है, जैसे लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है तो वो पूरा कवर्ड करके रखता है, तो डिफरेंस इनके न्यूक्लियस में होता है और इनके फंक्शन में और इनके परसेंटेज में कितना प्रेजेंट होता है, तो ये इनका डिफरेंस है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को यूरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में छोटे छोटे ग्रैनुल्स देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहा गया। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये दो तरीके के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बहुत जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या चीज है, तो इसको अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहना चाहूं तो ये प्रोटीन ही है जो एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब एक नया शब्द और आ गया, एंटीजन। अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं तो मैंने बताया कि जो लिम्फोसाइट्स है वो दो तरीके का है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज बनाता है, किसके एक्शन की वजह से या किसके आने की वजह से, ड्यू टू दी एंटीजन। एंटीजन क्या है, कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी में जाए, आपके इम्यून मैकेनिज्म को जगाए, उसे उठाए, क्यों उठाए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कि चलो भैया एंटीबॉडी बनाओ। वो एंटीजन, धूल मिट्टी चली गई छींक आने लगा, वो किसका काम है, वो आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। हमारी बॉडी इतनी वेल डेवलप्ड है कि वो अपना ध्यान खुद कर ले, अपना ध्यान खुद रख ले, लेकिन एक शर्त ये होती है कि हम अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखें, हम अपना इम्यून सिस्टम का कितना ख्याल रखें। इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी में, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पार्ट है, पूरी बॉडी हमारी इम्यून सिस्टम कंसिस्ट कर रही है, लेकिन हम उसका कितना ध्यान रख रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा ये जितने भी आप ये सेल्स पढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू, जैसे ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट में क्यों देखते हैं कि ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये इंडिकेट करते हैं कि इनका बढ़ना घटना इंडिकेट कर रहा है कि दैट देयर इज समथिंग नॉट गुड इन द बॉडी, बॉडी में कुछ पैथोलॉजी चल रही है, बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तब इनका जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है, अभी हम ब्लड पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, रेड कलर का फ्लूइड है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होता है, थोड़ा सा कलर में डिफरेंट होता है, आर्टरी का थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है,
ठीक है, और जो वेन का होता है थोड़ा वो पर्पलिश रेड होता है। और इनमें अगर अमाउंट की बात करते हैं तो एडल्ट में ये 5 लीटर, फीमेल में 4.5 लीटर, बेबी में 450 ml, और विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ये 5 गुना होता है कंपैरिजन विद कंपैरिजन टू दी वाटर। ठीक है, मतलब थोड़ा गाढ़ा होगा ये वाटर से, ये नहीं एकदम पानी की तरह है, तो इसलिए विस्कस है। किससे? विद रिलेशन टू द वाटर। कितना? 5 times मोर विस्कस देन द वाटर। एल्कलाइन पीएच होता है 7.4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारा पीएच 7.4 मेंटेन रखना। अगर हम पीएच 7.4 मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी एक नॉर्मल वे में, एक नॉर्मल पाथ में काम करती रहेगी, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो हिंडर नहीं होगी। फिर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फिर हम क्या करते हैं कि इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये ल्यूकोसाइट, फिर ग्रैनुलोसाइट, फिर ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। ये था इसका क्लासिफिकेशन। और इंडिविजुअली जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम इंडिविजुअली इन सबको पढ़ेंगे कि भाई एरिथ्रोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, कितना होना चाहिए, क्या फंक्शनिंग होती है, कहाँ कैसे बनते हैं, कहाँ इसकी डेथ होती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक बार फंक्शन जरा देख लेते हैं शॉर्ट में, ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है। तो देखिए अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं तो ब्लड के फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है ब्लड का भैया, वो आपके रेस्पिरेशन में ग्रेट रोल करता है, क्योंकि ब्लड में मैंने बताया पिगमेंट होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। अरे भाई हीमोग्लोबिन ही तो बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को वही तो कैरी करता है, तो इसलिए ये गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन CO2 के लिए इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये भी याद रखिएगा कि ब्लड में एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। रेस्पिरेशन में इसे हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर कैसे वो टूटता है, फिर कैसे दोबारा बनता है, और कैसे जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट। अच्छा, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा बॉडी में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, ब्लड का ही काम है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में यही मदद करता है। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, यही मदद करता है। टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ये भी मदद करता है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि बफर पीएच मेंटेन करना ब्लड का भी एक मेजर फंक्शन है, सबसे मेजर फंक्शन ब्लड प्ले कर रहा है इन द मेंटेनेंस ऑफ बफर, बफरिंग अगर कहा जाए तो बफरिंग में ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये फंक्शंस इनके याद रखिएगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करने में, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर रेगुलेशन में, होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में कौन मदद कर रहा है? ब्लड। ये तो हो गया इसके ये फंक्शन। इसके अलावा ब्लड में जो सेल्स हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे तो और आपके पास फंक्शंस आने हैं, जैसे आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसी फाइटिंग विद फॉरेन मटेरियल से लड़ रहा है, प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है टू प्रिवेंट द एक्सेस ब्लड लॉस। इसके बाद जब ल्यूकोसाइट्स पढ़ोगे तो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, कोई एलर्जी हो गई, या कोई भी दूसरी पैथोलॉजी है, वो डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से इंडिकेट करते हैं। डब्ल्यूबीसी का बढ़ना भी कोई पैथोलॉजी इंडिकेट कर रहा है, उसका घटना भी कोई पैथोलॉजी इंडिकेट कर रहा है। नॉट ओनली डब्ल्यूबीसी बल्कि सब, बढ़ना घटना मतलब कुछ गड़बड़ हमारी बॉडी पैथोलॉजी चल रही है, तो इतना याद रखिए। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा पे। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो जो प्लाज्मा है उसे हमने 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया है। एक तो उसमें सॉलिड पार्ट है विच इज मेनली प्रोटीन, वाटर इसका मेजर कंटेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी 75% वाटर से है। इसके अलावा कुछ गैसेस
भी ये कंटेन करता है, जैसे प्लाज्मा हेल्प करता है इन द ट्रांसफर ऑफ CO2। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जा रहा है, लेकिन CO2 किससे जा रहा है, जो उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, कार्बोनिक एसिड में जा रहा है। समझ में आ रहा है, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 6-8% होता है, ये 90-98% होता है, बाकी थोड़ा बहुत जो बच गया वो गैसेस में आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, समझते जाइए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, सब क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसकी एक डेफिनेशन लिखिएगा। प्लाज्मा में स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर का एक विस्कस फ्लूइड होता है। Which form the matrix of the blood। हमने क्या पढ़ा कि जो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का मतलब है पेल येलो कलर, हल्का येलो कलर, पेल येलो कलर का मतलब है स्ट्रॉ कलर। तो ये आपका स्ट्रॉ कलर एक विस्कस फ्लूइड है जो मैट्रिक्स बना रहा है। मैट्रिक्स मतलब वो जिसमें फिर बाकी के सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। प्रोटीन इसमें 6-8% प्रोटीन होता है, और इसमें मेनली तीन तरीके के प्रोटीन है, कौन कौन से, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। क्या पढ़ा अभी तक हमने कि जो प्लाज्मा है वो एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है जिसमें सॉलिड मैटर है, फ्लूइड है आपका वाटर और आपके गैसेस हैं। सॉलिड में आपका प्रोटीन 6-8%, वाटर पार्ट में 90-98% और आपका गैसेस पार्ट। और अगर हम इसके सॉलिड प्रोटीन की बात करते हैं, फिब्रिनोजेन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, ये सब भी प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे इनके फंक्शंस की, स्मॉल स्मॉल में देखते हैं, तो सबसे पहले ग्लोबुलिन की अगर बात करते हैं तो अल्फा बीटा ग्लोबुलिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। इसका जो मेजर रोल है इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस कहने मतलब फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या एंटीजन, तो उनसे भी डिफेंस मदद करता है। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारा मेंटेन करता है ऑस्मोटिक मेंटेन करने में, कि मतलब बॉडी में आप लोगों को अभी मैं वैसे बताऊंगा आगे कि हमारी बॉडी में 25 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो 25 mmHg है ये हमारी बॉडी में प्रेशर है, ये मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर प्रेशर अल्टर होता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ओडीमा यानी स्वेलिंग, श्रिंकिंग। कब होता क्या है ना, देखिए होता ये है, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, हमारी बॉडी दो प्रेशर पे ज्यादा वर्क करती है, अभी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक, इसको ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑनकोटिक। हमारी बॉडी का ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो 25 mmHg है, 25 mmHg, जो बहुत जरूरी है। अगर ये ज्यादा हुआ तो भी स्वेलिंग, एडिमा हो सकता है, कम हुआ तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी रेगुलेट करने में एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा रेगुलेशन करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी का क्या, एक नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, इसके अलावा ये तो ऑस्मोसिस मतलब मेंटेन करा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, इसके अलावा एल्ब्यूमिन विस्कोसिटी भी मेंटेन करता है ब्लड की। अभी इंडिविजुअल फंक्शंस लिखवाएंगे मैं आपको, लेकिन याद रखिए फिब्रिनोजेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर, मतलब क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। जब हम ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे तो इसका बहुत मेजर रोल होता है, किसका, क्लोटिंग का। तो प्लाज्मा में जो आपने प्रोटीन्स पढ़े, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एक क्लोटिंग में मदद करता है ब्लड क्लॉट बनाने में, ताकि आपका एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, एल्ब्यूमिन आपका प्रेशर मेंटेन कर रहा है,
ग्लोबुलिन आपके डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। तो ये तो हो गए इनके छोटे छोटे फंक्शंस। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। चलिए, तो अब ये जो हमने प्लाज्मा लिखा करा है, इस पे फंक्शंस एक बार लिख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फर्स्ट फंक्शन इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो मैंने अभी बताया फिब्रिनोजन। दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये दोनों रोल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोबुलिन का मेजर रोल है, कोगुलेशन में फिब्रिनोजेन का मेजर रोल है, फिब्रिनोजेन। फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, और कितना बताया था 25 mmHg, और इसमें एल्ब्यूमिन मेजर रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं, तो ये हमारा एसिड बेस बैलेंस यानी बफरिंग। देखिए, बफर जो इसमें मेंटेन होता है प्लाज्मा कर रहा है कार्बोनिक एसिड के थ्रू, तो याद रखिएगा बफरिंग भी मेंटेन हो रही है इसमें। इसके अलावा ये विस्कोसिटी मेंटेन करता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं तो विस्कोसिटी में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल करता है वो है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट फंक्शन, एक वर्ड यूज करा जाता है अगर मैं आपको बताऊं, ESR, इसको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, एक वर्ड है मेंटेन ESR। देखिए ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए होता क्या है, जब हम किसी ब्लड को, जैसे मान लीजिए हमने ब्लड लिया किसी ट्यूब में, ये मान लीजिए ट्यूब है और इसमें हमने क्या करा, ब्लड डाल दिया। अच्छा, ब्लड डालते हुए हम एंटीकोगुलेंट जरूर डालेंगे, एंटीकोगुलेंट मींस ऐसा मटेरियल जो कोगुलेशन होने से बचाए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, वो पहले ही जम जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर आते ही जम जाता है। देखिए जमने का कारण भी क्या है, जब भी आपका ब्लड, जैसे मान लीजिए कोई इंजरी लगी, अंदर क्यों नहीं जम जा रहा, बाहर आके क्यों जमा, ऐसा क्या मिला उसे, फैक्टर्स तो अंदर, काम तो अंदर से ही हो रहा है ना। अरे ऐसा तो नहीं कि धूल उसके ऊपर हम छोप रहे हैं कि अब बंद हो जाए, मतलब उसके ऊपर धूल तो नहीं लगा रहे ना हाथ से, जैसे कि ऐसे उठाए मिट्टी उठाए गीली मिट्टी उसके ऊपर रखे बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं कर, बाहर से कोई लेना देना नहीं, अंदर से ही क्लोटिंग हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि बाहर आके भी, हाँ कई केसेस में अंदर भी हो जाती है, थ्रोम्बस बन जाता है ब्लड में, बन जाता है, उससे क्या होता है ब्लड फ्लो रुक जाता है, वो तो चलिए बात की बात है। लेकिन अभी जो ब्लड क्लोटिंग बाहर आते क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो उसके जो प्रोटीन्स हैं या और फैक्टर्स हैं, जैसे ही वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, 13 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, क्लोटिंग क्लोटिंग जब होता है उसमें 13 फैक्टर लाइन वाइज काम करते हैं, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेस कब हुआ, जब वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अब चलिए इसे समझिए, मैंने आपको सेवेंथ फंक्शन लिखवाया कि ESR मेंटेन करता है, ESR दो जने मिलके मेंटेन कर रहे हैं, एक तो ग्लोबुलिन और एक आपका फिब्रिनोजेन। इसको बहुत डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए जो ESR है वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। मान लीजिए आपने ब्लड को ऐसे रख दिया, मतलब ट्यूब में आपने ब्लड को रख दिया,
थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो आरबीसी है ना, ये नीचे बैठ जाएंगे, पूरा सेपरेशन हो जाता है। जब आप ट्यूब में देखोगे ऊपर प्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा, नीचे ये सेल्स आ जाएंगे, मेनली आरबीसी, ये सब नीचे आ गए। कितनी देर में आए, कितने आए, ये ईएसआर होता है। अगर ये अल्टर होता है तब भी कोई प्रॉब्लम, इसलिए सब टेस्ट करा जाता है। बस इतना ही जानिए इसके बारे में। ESR, erythrocyte sedimentation rate, कौन मेंटेन कर रहा है, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिलिन। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल, नेक्स्ट फंक्शन है, एट फंक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी में लेमिनार फ्लो होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेमिनार मतलब कोई चीज एक सीरीज में सीधा चल रही है, टर्बुलेंसी मतलब इधर उधर कैसे भी चल रही है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे अंदर एक लेमिनार फ्लो होता है, मतलब कि प्लाज्मा है और जो सेल्स है वो बीच ही में चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो साइड में हो गए इधर उधर, फिर प्रॉब्लम। कैसे चलना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए, कि ये प्लाज्मा ऐसे जा रहा है, आपके सेल्स बीच में प्रेजेंट हैं, सेल अगर इधर उधर सरके ना इधर उधर तो फिर प्रॉब्लम, फिर क्लॉटिंग वाला, क्लॉटिंग के प्रोसेस में होता ही है ये, ब्लड सेल्स पास में आने लगते हैं, ब्लड वेसल्स के पास आने लगते हैं, बे पास आने लगे नहीं। लेमिनार फ्लो यानी ये मान लीजिए, इमेजिन करिए ये ऐसे आपका फ्लो है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है ऐसे, सेल्स बीच में फ्लो कर रहे हैं, तो इस चीज को भी मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी, उनकी मूवमेंट स्टेबल हो, स्टेबल फॉर्म में हो, तो स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी में भी मेंटेन करता है। इसमें भी आपका फिब्रिनोजेनिक मेजर और एल्ब्यूमिन भी एक मेजर रोल प्ले करता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। इसके अलावा भाई अगर बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब व्रत रख रहे हैं, देवी पूज रहे हैं और बहुत ज्यादा व्रत रख रहे हैं, कि जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा व्रत रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में फैट तो है ही भाई, रिजर्व फॉर्म में रिजर्व फूड फैट तो है ही, और भाई आलू आलू आप खा ही रहे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में अगर फास्टिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, सूखना एकदम, तो फिर क्या करना है, फिर हम डाइटिंग करते हैं, खाना ना छोड़ देते हैं, तो उसमें हमें कहां से, हमारी बॉडी का एनर्जी कहां से मिल रही है, रिजर्व्ड प्रोटीन, हमारे प्लाज्मा में रिजर्व्ड प्रोटीन भी होती है, तो याद रखिएगा रिजर्व्ड प्रोटीन। तो ये हमारा प्लाज्मा के बारे में था और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, प्लाज्मा में हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं, प्लाज्मा में सॉलिड मैटर हमने पढ़ा, प्लाज्मा में फ्लूइड मैटर है और प्लाज्मा में गैसेस मैटर है। अगर हम सॉलिड मैटर की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हैं, हमारे कुछ मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ग्लूकोज है। प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हमने पढ़े, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। वाटर 90-93% वाटर आपका प्रेजेंट है, अच्छा इसके बाद कुछ गैसेस प्रेजेंट है। अगर सॉलिड मैटर में आप प्रोटीन की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन इसमें मेनली मदद कर रहा है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, सारे फंक्शन ना याद हो लेकिन ये मेन पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक मेंटेन कर रहा है, कितना 25 mmHg। फिब्रिनोजेन क्लोटिंग में मदद कर रहा है, और क्या बचा आपका ग्लोबुलिन, वो किसे मेंटेन कर रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने में, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये याद रखिएगा, ये हो गए इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा ये जितने भी मैंने आपको बताए थे वो सारे फंक्शंस याद रखिएगा, डिफेंस में, कॉगुलेशन में, आपकी विस्कोसिटी मेंटेन करने में, ESR मेंटेन करने में, तो इतना मेजर रोल है। आरबीसी की स्टेबिलिटी, उनका फ्लो अच्छे से हो, आराम से हो, इतना मेजर रोल होता है आपका किसका, प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन। कई लोगों में प्लाज्मा ट्रांसफर कराना पड़ता है, प्लाज्मा फेरेसिस उसको कहा जाता है, तो उसमें प्लाज्मा ट्रांसफर करा जाता है, ऐसा मोस्टली छोटा सा बताते हैं, ज्यादा नहीं, ऑटो इम्यून डिसीज में ऐसा होता है। बहुत सी हमारी ऐसी डिसीज होती है ऑटो इम्यून डिसीज, क्या होती है ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो हमारा बॉडी मैकेनिज्म है ना, हमारी बॉडी देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी काम कैसे करती है, कोई बाहर से एंटीजन आया तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगती है, ये नॉर्मल फंक्शन है हमारी बॉडी का, एंटीजन आया एंटीबॉडी बना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून, ऑटो खुद हमारा इम्यून सिस्टम हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे,
क्योंकि हमारे जो ब्लड है या हमारा जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या होता है, वो अपने आप को एंटीजन समझ के अपने ही सेल्स को मार रहा है। ऑटो इम्यून डिसीज बहुत ही होती है, लेकिन आप लोग जब मसल्स पढ़ोगे तो बहुत सी, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है, रूमेटिड अर्थराइटिस आप लोग पढ़ेंगे वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इसमें क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज भी कराना पड़ता है। प्लाज्मा एक्सचेंज करने से कुछ होगा नहीं, ओनली टेम्परेरी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, जिसमें आपने प्लाज्मा हटा दिया उससे एंटीबॉडी हट गई है तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बस इतना होता है टेम्परेरी हमने कर, समझना है ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये एक इसका भी इसमें मेजर है, तो याद रखिएगा। तो प्लाज्मा हमें समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन बनते कहां से है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स आपका लीवर है, इसलिए लीवर की मेंटेनेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, प्लाज्मा के बारे में ब्लड हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अब बाकी हमें जो आगे करना है इरिथ्रोसाइट्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इरिथ्रोसाइट। थैंक यू वेरी मच, देखिए समझिए पढ़िए अच्छे से।